डीजीपी न्याज अहमद ने आज एसपी कार्यालय में एक बैठक की और शहर की गिर रही वृद्धि व्यवस्था को सुधारने का आदेश दिया। पिछले एक सप्ताह में शहर की विधि व्यवस्था काफी चरमरा गई है। वैसे शहर की गिर रही विधि व्यवस्था को लेकर डीजीपी काफी चिंतित है। तिलवानी हत्याकांड के मामले को लेकर डीजीपी न्याज अहमद आज शहर पहुंचे। शहर पहुंचते ही सबसे पहले डीजीपी तिलवानी के घर पहुंचे और परिवार वालों से इस हत्याकांड के बारे में पूछताछ की। वैसे न्याज अहमद ने दावा किया है कि बहुत जल्द अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। वहीं जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के गिरफ्तारी के मामले में डीजीपी ने साफ शब्दों में कह दिया कि गिरफ्तारी जायज है। पानी मामला में अभी हम डिस्कस करने आए हैं, कुछ तो हम लोग को क्लू मिला है, उसपे हम लोग वर्क कर रहे हैं। अभी हम लोग उस पर विमर्श करेंगे और आगे जो भी कार्रवाई होगी उसके जो लोग इसमें लिप्त रहे हैं उन्हें गिरफ्तारी करने के लिए जो भी कार्रवाई की जरूरत होगी वो हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। जो हुई है पिछले बार भी हम लोग आए थे, उसके बाद घटनाएं हुई थी तो हम लोगों ने उसको कंट्रोल किया था, उसमें डिटेक्शन हुआ था, पकड़ाए थे क्रिमिनल्स, जेल भेजे गए थे। अब वो हमें देखना है कि कैसे उनको कन्विक्ट कराया जाए या क्या उपाय निकाला जाए कि वो जेल से नहीं निकले, या और जो प्रिवेंटिव एक्शन है जैसे उनका रंगदारी के लिए फ़ोन करना या जेल से फ़ोन करना या बाहर से फ़ोन करना, दूसरे स्टेट से भी लोग फ़ोन करते हैं, तो ये सबको रोकना पड़ेगा। तो इसके लिए रोकने के लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे, जो ठोस कार्रवाई की जरूरत होगी उसमें कार्रवाई करेंगे। व्यापारी लोग जेल गए हैं, वो बहुत अनफॉर्चुनेट हम मानते हैं। जवाबदेही देखिए ऐसा है कि उस पर अभी वो डिटेल हम नहीं जानते क्या एग्जैक्टली इंसिडेंट हुआ था, लेकिन नॉर्मल कोर्स में इस तरह के मामले में ऐसा केस नहीं करवाना चाहिए था, जिससे कि कोर्ट में भी इन लोगों को बेल नहीं मिला। ये भी हमारे ये है कि बेल तो ये सब नॉर्मल प्रोसेस में मिल जाता है। वैसे जनवरी माह में पुलिस के बहाली का भी संकेत दिया है। बहाली तो आरक्षियों और दरोगा की लाइन अप है, लेकिन अभी हम लोग पंचायत इलेक्शन में डेढ़ महीने से बिजी हो गए थे, इसलिए हम लोग उसको शुरू नहीं कर सके। हम लोग जनवरी में उसको शुरू करके उसकी कार्रवाई करेंगे।